audible to you all? Okay, thank you, Sudip Singh. Thank you, बहुत बहुत so, सभी को नमस्ते फिर से. जो जो नए जुड़े हैं आज सेमिनार में, आज का सेमिनार बेसिकली एड्रोकेयर प्रोडक्ट हमारा SHPL का होने वाला है और उसका हम कैसे हमारे राइस, क्योंकि राइस एक हमारा स्टेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो कि बहुत बहुत ही तादाद में हमारे इंडिया में, एक्चुअली इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, फर्स्ट चाइना है. तो आपको वो जो हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड का, तो वो भी समझना है, वो महत्व भी समझना है आप सभी को. और जो आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैसे धीरे धीरे आप ऑर्गेनिक वे में बदल सकते हैं, ताकि जो आप खिला रहे हैं या जो आप उगा रहे हैं वो सेहत के लिए अच्छा है, वातावरण के लिए अच्छा है, आप जो खा रहे हैं वो उसके और जो खिला रहे हैं भूसा ये गाय वाय उनके लिए भी अच्छा है. तो बेसिकली सेमी ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मेथड में हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे हम हर एक सेमिनार पहले हम बताते हैं आपको, लाइक वी हैव अ प्रॉपर वे ऑफ कंडक्टिंग सेमिनार्स. तो प्लीज आप अपना कंडक्ट ऑफ जो वेबिनार में होना चाहिए वैसा प्लीज मेंटेन कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज जो वेबिनार सेशन होने वाला है, जैसे हमने बताया, राइस और सुगार केन का होने वाला. टाइम बचेगा तो सुगार केन पे जाएंगे, या अगर आपको ज्यादा हेक्टिक लग रहा है तो आप बता सकते हैं सुगार केन बाद और एक वेबिनार सेशन में हम कर लेंगे. तो फर्स्ट हम चलते हैं राइस में. राइस बेसिकली, राइस कल्टिवेशन इंडिया में इतने तादाद में होता है कि पहले हमारा मिलेट्स था. मिलेट्स का मतलब रागी, राग जो होता है, लाइक तेलुगु में उसे सोलू बोलते हैं, और अगर वैसे ही हिंदी में कुछ उसे जो वो वेराइटी का हो गया, मिलेट्स हो गया, फिंगर मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स, वो सब था. बट आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पैडी का जो हाइब्रिड वेराइटीज, जो जीन मैनिपुलेशन या म्यूटेंट वेराइटीज जो आने लगे, उसके बाद हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ NPK और इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फैक्ट्री सिंथेसाइज केमिकल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका जो हम गलत तादाद में इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली वो सब उतना भी गलत नहीं है. जब आप लिमिटेड अमाउंट में काम करेंगे, इट्स बेटर फॉर योर क्रॉप, आप उससे ज्यादा फायदा पा सकते हैं. लेकिन आजकल किसान इतना, मतलब लाइक व्हाट टू से, इतना लेजी हो गया है, या दे हैव, मतलब वो भूल गए हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में भी वो हुआ करता था हमारा खेती. और राइस हमारा एक इतना अच्छा एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में, हमारा एक्सपोर्ट्स में इतना अच्छा था, बट आजकल वो राइस का जो खामियां आ जा रहा है वो क्योंकि केमिकल यूसेज के कारण वो रिटर्न बैक भी हो रहे हैं बहुत जगह से. जैसे नेपाल से हमारा शुगर रिटर्न हो गया था, वेजिटेबल्स रिटर्न हो गए थे फ्रॉम लाइक हमारा बहुत सारे कंट्रीज से राइस पैडीज भी और वीट भी हमारा बहुत रिटर्न हुआ था. तो बेसिकली जो केमिकल इंडेक्स होता है, जितने तादाद में होना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है. बेसिकली जो मार्जिन होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है. लेकिन वही चीज हमको लाइक हमको बताना नहीं चाहिए, बट वही चीज हमको अगर रेशन में मिलता है, वी गेट इट एज अ फ्री, तो अच्छा है. तो आपको समझना चाहिए क्या हो रहा है हमारे, मतलब सिचुएशन क्या है. तो यू हैव टू बी सेंसिबल और यू हैव टू बी एजुकेटेड इनफ, ताकि आने वाले दिनों में आप जो खा रहे हैं उसके बारे में जान सके. और किसान को इससे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता. बेसिकली इससे आपकी जो लागत होती है उससे कम ही आता है. बट केमिकल यूसेज है, ये है लेजी एंड ओवर प्राइस, और वो जो कॉस्ट एक्सपेंसेस है वो बहुत होते हैं. लाइक जो 500 में खत्म होता है वो 2000 में चला जाता है. लाइक हमारा नीम इस्तेमाल कीजिए, 500 में खत्म हो जाता है, वही आप बहुत सारे केमिकल्स है जो कि आप 2000 में लगाते हैं. तो बेसिकली एग्जांपल हो गया. चलिए चलते हैं राइस का कल्टीवेशन कैसे ऑर्गेनिक मेथड में हम चर्चा करते हैं. उससे पहले बेस इंट्रोडक्शन है बस. जैसे हमने बताया था इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस, और ये और लार्जेस्ट मतलब चाइना ज्यादा उगाता है, लेकिन वो खा भी लेता है उतना. हमारा ज्यादा उगता भी है और ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है. वन ऑफ द हमारा लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो जैसे हमारा जो राइस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर वर्ल्ड है, हमारा थोड़ा ज्यादा है और वो सेकेंड पोजिशन है.
हमारा प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया, फ्रॉम 1980 हमारा 53.6 मिलियन टन था 1980 में। अब 2022 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में जो सर्वे आए हैं, 122 मिलियन हो गया, 122 मिलियन टन। तो ये एक अच्छा तादाद में ग्रोथ है, बट जो अपनाते हैं, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, तो वो नहीं मिल पाता। Somebody is raising hand. अगर आप हैंड रेज कर रहे हो, बाद में आई विल कंसल्ट यू, आई विल वी विल वी विल हैव अ चैट। प्लीज बीच में मत बोलिएगा, बस इट्स नॉट अ कंसर्न, सॉरी। आई ऑडिबल, समझ पा रहे हैं ना? आई ऑडिबल, प्लीज एज डाल दीजिए कोई एक। ओके ओके, थैंक यू सर। तो चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ऐसे कितने कितने वेराइटीज होते हैं, वेराइटी ऐसे नंबर्स में होते हैं, तो ये आपको कंफ्यूजन कर देते हैं। ब्रॉड वे में चलते हैं कि कितने कितने वेराइटीज की के क्या कैटेगरी हमारे इंडिया में उगाई जाता है। बासमती बेसिकली ये पंजाब या हिली रीजन्स में, हमारे यहाँ भी होता है आंध्र प्रदेश में, ट्रांसजेनिक राइस और जो गोल्डन राइस बोलते हैं वो भी होता है। बासमती बेसिकली फ्लेवर्ड होता है, जो बिरयानी में हम इस्तेमाल करते हैं। रेड रेड कलर का भी आता है, लाइक वो बहुत न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज में आते हैं, लाइक स्टार्च कंटेंट ज्यादा रहते हैं, विद ग्लूकोज सप्रेसिंग पावर्स। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी काम आता है। जैस्मिन वेराइटी, पारबॉइल्ड वेराइटी, मतलब ये मतलब उसको क्या बोलते हैं, लाइक उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ज्यादा ये कंज्यूम करते हैं पारबॉइल्ड राइस। मतलब ये क्या होता है, उसना उसना बोलते हैं इसे, उसना चावल बोलते हैं। तो ये पारबॉइल्ड राइस होता है जिसको उबाल देते हैं, फिर उसके फिर से उबाल के कंज्यूम करते हैं। और व्हाइट राइस, बेसिकली व्हाइट राइस बहुत तादाद में अभी तो खाया जाता है, सभी को पता है। ब्राउन राइस बहुत हेल्दी होता है। स्टिकी राइस, स्टिकी राइस बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है, ये चाइना नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अरुणाचल प्रदेश उस तरफ होता है। तो चाइना रीजन से ये ऑरिजिन हुआ है स्टिकी राइस, ये थोड़ा चिपचिपा होता है, तो ये स्टिकी राइस हो गया। और इसी में आपको हमारे कंट्री से ज्यादा जाने वाला है ब्राउन राइस बासमती, ये बहुत तादाद में बहुत बिकता है। और क्यों, हमको हमारा सबकॉन्टिनेंट जो है, हमारा देश जो है, वो अच्छा वातावरण देता है फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। हम राइस उगा पाए उसका अच्छा वातावरण है, लेकिन जो केमिकल का यूसेज कारण हमारा इम्बैलेंस हो गया है न्यूट्रिएंट्स का। सॉइल का जो खनिज तत्व था, सॉइल का जो महत्व था, उगाने लायक जो महत्व रहते हैं, वो सब खामियां या वो सब कम हो जाते हैं, तो ये भरपूर नहीं कर पाता। तो ये है बेसिकली। और ये कब कब हो जाते हैं, ये खरीफ क्रॉप होता है और रबी क्रॉप में भी हो जाते हैं। खरीफ का मतलब ये बेसिकली खरीफ सीजन का मतलब ये बेसिकली कब बोया जाते हैं, जून और अक्टूबर में। और रबी सीजन का मतलब नवंबर और फरवरी। खरीफ मतलब बारिश का सीजन, रबी मतलब सन सीजन। तो ये से मान लीजिए, तो नवंबर टू फरवरी जब कटाई होती है तो रबी का होता है। तो जैसे हम बताए थे, राइस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स है दुनिया में, और लीडिंग एक्सपोर्टर बासमती का हम जैसे बताया था, बासमती और ब्राउन राइस का लीडिंग एक्सपोर्टर भी है हमारा इंडिया। इन द फाइनेंशियल ईयर 2018 और 2019 के साल में हमारा जो सर्वे के अनुसार इंडिया 404 मतलब 4.4 मिलियन मेट्रिक टन, बहुत सारा आदमी बासमती राइस, मतलब कितने कीमत में, यूएस डॉलर्स में 4.7 बिलियन डॉलर्स में हमने राइस दिए हैं। बहुत अच्छा, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मतलब एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है, जो राइस का एग्रीकल्चर में जो एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज्यादा ज्यादा है। लीडिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं बासमती राइस प्रोडक्शन में, जैसे हम बताए थे वो हिली एरियाज में, और थोड़ा जो जहाँ पे थोड़ा अच्छा क्लाइमेट है, या जो फॉग क्लाइमेट या थोड़ा लो क्लाइमेट रहता है, मतलब ठंडा क्लाइमेट है, तो वहां पे बासमती अच्छा वेराइटी वाला उगते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लाइक पीलीभीत, ये रीजन है। बासमती आप सभी को पता है ये बिरयानी है, घी राइस में इस्तेमाल होता है, जीरा राइस वो सब में इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे कैटेगरीज, जैसे ये बासमती हो गया, और
जो नॉन बासमती का भी हमारा एक्सपोर्ट होता है कितने का, इन तो ये 7.5 मिलियन मतलब कि बासमती से भी ज्यादा है, और लेकिन ये पैसे में थोड़ा कम है क्योंकि बासमती कॉस्ट में ज्यादा होता है क्योंकि उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है, उसका पॉलिशिंग चार्जेस भी ज्यादा होता है, उसका एजिंग भी करते हैं बहुत लोग, बहुत सारे ब्रांड्स, तो ये होता है। तो मेन जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जो नॉन बासमती चावल, मेनली कौन कौन से देश को हम एक्सपोर्ट करते हैं, नेपाल को, बेनिन को, सेनेगल को, बांग्लादेश को, एंड गिनिया को। तो जैसे हम पहले बताए थे जो केमिकल का यूसेज के कारण, बहुत केमिकल के यूसेज के कारण नेपाल हमारा जो चीनी लेता था, जो शुगर लेता था, वो मतलब गिव अवे कर दिया, बैक कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत केमिकल कंटेंट मिला था। तो ये है, तो आप आज समझिए किस तरह जो हम पैदा कर रहे हैं ताकि वो हमारी जो पैदावार है वो बहुत अच्छे से आए, वो बहुत खूबियों से आए, और वो खाने में भी स्वादिष्ट हो, और जो खा रहे हैं उनको भी सेहत के लिए अच्छा। लेकिन जो केमिकल यूसेज वो बहुत हानिकारक होता है, बहुत, आप लिटरली नहीं समझ पाएंगे। दे कॉज कैंसर्स, दे कॉज हार्ट अटैक्स, दे कॉज स्टेरिलिटी इन मेंस, दे कॉज मिसकैरेजेस इन वुमेन। तो ये बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, इवन मदर मिल्क में पाया जाता है, इवन केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स जो गाय के दूध में भी पाया जाता है, भैंसे के दूध में भी पाया जाता है। सो यू हैव टू बी कॉन्सियस, आपको कॉन्सियस और कॉन्सियस रह के ही काम करना पड़ेगा। एज हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर का इंडिया का बहुत बड़ा भुगतान है, सो वी कैन लाइक हम एक लीडिंग नेशन बन सकते हैं, वी कैन कम्पीट विद चाइना रिगार्डिंग जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। हमारा उतना एरिया नहीं है, उनका प्रोडक्शन एरिया बहुत कम है, लेकिन हमारा उतना प्रोडक्शन एरिया है, बट वी आर डिप्लीटिंग, हम हमारा जमीन को खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए वी आर कमिंग फॉरवर्ड सभी को, इसको सभी को बताने के लिए कि आप सभी को कैसे अपनाएं ऑर्गेनिक वे ऑफ कल्टीवेशन। तो देखिए चलते हैं साइमल्टेनियसली, और बहुत सारी जगह भी है जो कि नवंबर दिसंबर में भी खरीफ हो जाते हैं, और मार्च जून में रवि, जैसे हमने बताया था, ये हार्वेस्टिंग टाइम होता है, कटाई तभी होता है। बेसिकली द स्टेट्स जो कल्टीवेट रवि सीजन में ज्यादा करते हैं, मतलब जो मार्च जून जब कटाई होती है, कौन कौन से स्टेट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बेसिकली डाउन टू द साउथ एंड टूवर्ड्स लाइक नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा उस तरह में बेसिकली ये हो जाता है। और खरीफ सीजन बेसिकली सभी जगह खरीफ सीजन में, और सभी जगह खरीफ सीजन में आइडियली, क्योंकि पानी अच्छे से मिल जाता है उस टाइम। तो लीडिंग प्रोड्यूसर है लाइक आई थिंक उत्तर प्रदेश है पहला, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, लाइक मैं भूल रहा हूँ, यही ऑर्डर में होगा, एक दो नीचे ऊपर होगा। तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स ये है। और चलिए कैसे हम मिट्टी को बनाएं ऑर्गेनिक मेथड में, अगर ऑर्गेनिक भी ना करें, आप केमिकल भी कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो हमारा राइस है उसको कैसा मिट्टी चाहिए जो पानी अच्छे से रोक पाए, मतलब जो मिट्टी भुरभुरा हो, जो अंदर पानी सोख ले और उसको बनाए रखे, रोक के रखे, वैसा मिट्टी चाहिए। जैसे कि हमारा मिट्टी और जैसे कीचड़ होता है वैसा होना चाहिए, एक्चुअली बेसिकली वैसा मिट्टी हो तो बहुत अच्छा होता है। 50% क्ले कंटेंट, मतलब 50% कीचड़ प्रतिशत होना चाहिए उसमें। और ये क्या करेगा, ये मतलब जो हार्ड पैन होता है, जैसे हमने बताया था आपकी जो कठोर बनता हो जाती है यूरिया का यूसेज, केमिकल के यूसेज के कारण, ये आपको पानी नहीं रोक पाता। तो इसीलिए ये जो हार्ड पैन है उसमें आप अगर उगाएंगे भी तो उतना जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है आपको। आपको सॉइल का पीएच कितने में होना चाहिए, एक्चुअली 5 to 6.5 में बहुत अच्छे से आ जाएगा, 5 to 9 में आप कर सकते हैं, लेकिन जो तादाद आएगी वो बहुत कम में आएगी, बट वी प्रिफर 5 to 7, 5 to 6.5 वो सही रहता। कौन कौन सी मिट्टी में हो जाता है, ये मिट्टी का कैटेगरी होते हैं, जैसे ये रेतीला मिट्टी हो गया, ये चिपकाई मिट्टी, मतलब जैसे हम मतलब कीचड़ का मिट्टी हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, तो ये बहुत सुइटेबल होते हैं हमारा राइस के कल्टीवेशन के लिए। और एक बात मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप हमेशा हर एक 3 साल में, मिनिमम 3 साल में आपको अपना जो जमीन है वो टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि उस कारण हम सॉइल पीएच को लेवल कर पाए, ताकि उस कारण हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खनिज तत्व मिलना चाहिए वही ही डालें,
और जो नहीं मिल पा रहा है या जो हमको नहीं चाहिए वो हम ना लगाएं हम, और वहां पे हम पैसे की बर्बादी ना करें, यही मकसद होता है। वो बस 110 रुपीज होता है एक रजिस्ट्रेशन में, अगर लैंड है तो 110 रुपीज ही होता है। तो आप वो कैसे ले सकते हैं, चारों कोनों में मिट्टी लेना और बीच में भी लेना, पांच बार से लेना, उसको क्वार्टरिंग एंड क्वार्टरिंग मतलब शक्कर करके सुखा के दोनों चारों कोनों को करके उसको मिलाना है आपको। उसके बाद वो केवी के में कृषि विज्ञान केंद्र में जाके आप टेस्ट करवा सकते। ओके रविंद्र टंडन जी, आप एम आई ऑडिबल नाउ, अभी सुनाई दे रहा है? ओके एम आई ऑडिबल, सभी को सुनाई दे रहा? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो कैसे हम सॉइल ऑर्गेनिक मेथड में भी, अगर आप टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मेथड में अगर एसिडिक बन गया, मतलब आपका सॉइल अगर फाइव से ज्यादा हो गया या कम हो गया या सिक्स से ज्यादा हो गया या पांच से कम हो गया, तो एसिडिक या सोडिक बन जाता है, ये सोडिक सॉइल बोलते हैं। तो उसको कैसे हम मिटा सकते हैं, माल या उड़ैस, उड़ैस का मतलब ये होता है, उड़ैस को क्या बोलते हैं, राग बोलते हैं, जो हमारी लकड़ी का राग होता है वो राय होता है, उसको अगर हम मिलाएंगे तो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कार्बन कंटेंट रहता है। कार्बन, कार्बन कंटेंट क्या करता है, आपकी जो मतलब सूक्ष्म जीव बढ़ पाना जो होता है, खनिज तत्व रोकने की जो काबिलियत होती है वो सब बढ़ा देता है, ये मतलब बूस्टअप कर देता है। इसीलिए हमने पहले सेमिनार में हमारा एक नया प्रोडक्ट आया था कार्बन लिक्विड, जो कि इफेक्टिव मैनर में काम करता है, और उसका भी हमने बहुत अच्छे से एक सेमिनार किया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ओके ओके ओके, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम ही है, आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई आ रहा है, दिक्कत आ रहा है तो यू कैन रेज हैंड। ओके तो यही है बेसिकली। और पैडी के लिए 78% का नाइट्रोजन होना चाहिए एटमोस्फेयर में, उसके वातावरण में, क्योंकि बहुत सारा जो आप यूरिया लगाते हैं उससे नाइट्रोजन 20% ही मिलता है पौधे को, और बाकी जो 80% है ना वो बाहर से ही वो लेता है, और वो बाहर से लेने का प्रक्रिया छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो, जैसे कि एजेक्टोबैक्टर, राइजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, वो सब जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, ये सब आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, नाइट्रेट फॉर्म में देता है, तो ये आप जो यूरिया इस्तेमाल, केमिकल के इस्तेमाल करें, वो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, तो अच्छे से नाइट्रोजन नहीं मिलता। लेकिन आप जाके यूरिया के ऊपर, यूरिया के ऊपर वो यूरिया, यूरिया के ऊपर यूरिया, चार बार पांच बार डालते हो यूरिया, और वो भी इतने तादाद में कि जो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स नहीं है उतने तादाद में आप डालते हैं। अगर बगल वाले खेत ने कोई डाल दिया यूरिया तो उसको देख के हम डाल देते हैं, तो किसान इतना इतना मतलब बिगड़ गए हैं, उनका आदत इतना बिगड़ गया। तो बेसिकली यही है कि आप बहुत कम तादाद में इस्तेमाल कीजिए, और ये जो ऑर्गेनिक होता है उसको ही आप इस्तेमाल करना सीखिए और अपनाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक ही फ्यूचर है। बिकॉज आफ्टर 2026 में भी आपको यूरिया सब्सिडी में नहीं मिलेगा, जैसे आज के दिन में गैस नहीं मिलता है सब्सिडी में, वैसे यूरिया भी आपको सब्सिडी में नहीं मिलेगा। अगर सब्सिडी में नहीं मिलता है ना तो आपका यूरिया 1700 टू 1800 होगा, और 2026 में वो 2000 के ऊपर ही पहुंच जाएगा। तो बेसिकली आज ही आपको बदलना पड़ेगा, यूरिया का खपत जो है आपको कम करना पड़ेगा। तो कैसे, कितने तरीके होते हैं हम राइस का खेती करते हैं तो जानते हैं वो पहले। तो ब्रॉडकास्टिंग मतलब, ब्रॉडकास्टिंग मतलब हम जैसे बिखेर देते हैं, हम लाइक जो भी हमको बीज मिलता है हम उसको बोते नहीं है, हम बिखेरते हैं, पानी लगा दिए उसके बाद बिखरना होता है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगता, अच्छे से हो जाता है। और ये क्या होता है ना, थोड़ा आपको जो पैदावार है वो कम कर देता है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो फेंकने के भी एक तरीका होता है, वो सब एक एक्सपीरियंस फार्मर ही अच्छे से कर पाया, नहीं तो ड्रिलिंग मेथड है। ड्रिलिंग मेथड मतलब दो लोग जो खेती करते हैं, जो जमीन को, जो जमीन को जब प्लॉइंग करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तभी पीछे एक सोइंग मशीन रहते हैं, उसको ड्रिल करके दो दो तीन बीज डाल देता है इक्वल इक्वल डिस्टेंस में।
ये बेसिकली ये हमारे ऊपर मतलब नॉर्थ रीजन में ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ट्रांसप्लांटेशन मेथड, ट्रांसप्लांटेशन मेथड ये कहाँ पे होता है, ये वाटर अवेलेबिलिटी जहाँ पे ज्यादा मिलता है, और ये आपको पहले एक सीड बेड प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको बीज को एक जगह पहले उसको लगाना पड़ता है, उसको बढ़ने के बाद 15 दिन के बाद उसको फिर से आप निकाल के और एक जमीन में और एक जगह आप लगाते हैं, वो है ट्रांसप्लांटेशन मेथड। और जापानीज मेथड में क्या होता है, जापानीज मेथड में क्या करते हैं ना, वो एक लैब में उगाते हैं या समझ लीजिए एक क्लोज एनवायरमेंट में उगाते हैं, और उसके बाद 15 या 20 दिन के बाद या 40 दिन के बाद उससे लैब से लेके डायरेक्ट जमीन पे आके गाड़ देते हैं। ये थोड़ा बहुत तकनीकिया काम है और ये बहुत एडवांस मेथड में होता है, तो ये जापानीज मेथड कहलाता है। और एक तकनीक है हमारा इंडिया में श्री टेक्निक बोलते हैं, उससे भी आप उगा सकते हैं, बहुत सारे लोग उससे बहुत पैदावार निकाले हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली जो श्री मेथड अपना के निकाले हैं, किसी और दिन उसी मेथड का कल्टीवेशन हम अच्छे से बताएंगे, वो एक अलग सा ही टॉपिक हो जाए। उसके बाद क्या क्या खाद लगाना चाहिए, बेसिकली आजकल किसान खाद लगाना भूल ही गया और खाद मिलते भी नहीं है उतने कीमत में, तो इसलिए हमारा सर्वश्रेष्ठ जो है उसका अल्टरनेट्स लाए, जैसे हमारे यूमिक ग्रैनुल्स हो गया, यूमिक लिक्विड हो गया, वो अल्टरनेटिव होते हैं खाद के, जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गए या कार्बन हो गया, वो अल्टरनेटिव होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर में बहुत बहुत ज्यादा होते हैं उसमें। तो आपको अगर खाद अवेलेबल में है और ये खाद आपको अगर मिल रहा है, अगर आप प्योरली ऑर्गेनिक कर रहे हैं, पूरा पूरा का पूरा 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तभी आपको क्या करना है, जो गाय का गोबर होता है वो आपको 12 से 15 लेना है, जो बकरी का या मेंढक उसका होता है वो 12 से 5 टन लेना है हेक्टेयर के लिए, जो हमारा पॉल्यूट्री वेस्ट मतलब चिकन का जो होता है वेस्ट या उसका जो रिमेन्स या स्टूल्स बोल सकते हैं वो 5 टन चाहिए, और पिग का भी आप ले सकते हैं, उसका आप 2.5 टन पर हेक्टर आपको लेना चाहिए। अगर हो सकता है तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई अगर ऑर्गेनिक मेथड में ही पूरा कर रहे हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप पूरा ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ऑर्गेनिक या थोड़ा केमिकल मिला के कर रहे हैं, तो वो हम आपको सुझाव देंगे कैसे हमारा प्रोडक्ट कब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट स्लाइड में एक ही स्लाइड में आपको पता चल जाएगा बीज बोने से लेकर कटाई तक किस किस स्टेज में क्या क्या लगाना है, तो ये बस आपको बेसिक नॉलेज है कौन कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, तो ये बस बेसिक नॉलेज के कारण हम आपको ये स्लाइड दिखा रहे हैं। तो ये है ह्यूमिक लिक्विड, आजकल जैसे नैनो यूरिया आ गए तो ये ह्यूमिक लिक्विड के साथ नैनो यूरिया मिला के आप छिड़काव कर सकते हो ब्लैक मैजिक का, इसमें क्या होता है जड़ का विकसित अच्छा होता है, उसमें फल भी ह्यूमिक सब्सटेंसेस ज्यादा रहता है, 98% ह्यूमिक सब्सटेंसेस रहता है, तो ऐसा होता है ये आपको नैनो यूरिया के साथ के आप जब भी स्प्रे करते हैं तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी डीएपी एमओपी के साथ आप छिड़काव करना चाहते हैं या यूरिया के साथ आप अगर छिड़काव करना चाहते हैं तो ये आपको ह्यूमस मिल जाएगा, अगर डीएपी एमओपी यूरिया के साथ भी आप अगर छिड़काव करना चाह रहे हैं तो ये आपको ह्यूमिक ग्रैनुल्स हो गया, ये सभी में ये तीनों में आपको ब्लैक मैजिक मिलाना है, क्योंकि ये अच्छा काम करता है विथ कॉम्बिनेशन, ये जड़ की विकसित के साथ साथ सूक्ष्म जीव पनपने में भी काम करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको भी बढ़ाने में भी काम करता है। कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने तादाद में करना चाहिए, जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो 300 से 600 ml एक एकड़ में आपको ह्यूमिक लिक्विड लेना है, वो क्रॉप के अनुसार होता है कितना तादाद पे है ये, कितना पास आप लगा रहे, अगर ज्यादा दूर में लगाए तो 300 ml है, अगर आप ज्यादा पास में लगाए तो 600 ml लगा, और ह्यूमस का आप यूरिया के साथ 2.5 kg का 2.250 kg का आप ले सकते हैं, ये एक एकड़ के लिए होता है, ह्यूमिक ग्रैनुल्स का 5 से 8 kg का होता है, ये बेसिकली आप जब पानी पहला पानी देते हैं उससे पहले ह्यूमिक ग्रैनुल्स यूरिया जब अप्लाई करते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखना ब्लैक मैजिक ह्यूमिक ग्रैनुल्स यूरिया या डीएपी या एमओपी जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके साथ ये मिला के छिड़काव करना है, ये आप मिट्टी के साथ या बालू के साथ या आप रेत के साथ या आप खाद के साथ किसी के साथ भी मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक मैजिक वैसे छिड़काव नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्योरली ऑर्गेनिक में जा रहे हैं तो आप
जो हमारा मिक्सचर होता है, जो हमारा खाद होता है, जो गाय का खाद होता है, वो आप लेना है 10 से 15, अगर 15 लीटर टैंकी में ब्लैक मैजिक के साथ, वो 15 लीटर के जो गाय का ये होता है, मिश्रण होता है, तो उसमें आपको मिलकर डालना है। अगर आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं तो ये यूरिया के साथ, ह्यूमिक ग्रैनुलर के साथ भी काम करता है, ये ह्यूमस के साथ भी काम करता है, और ह्यूमिक लिक्विड के साथ भी काम करता है। इसके साथ आप कॉम्बिनेशंस बहुत सारे भी दे सकते हैं, वो लास्ट स्लाइड में हम अच्छे से जान पाएंगे, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कभी भी जब उतने दिन का हुआ है तो वही रिकमेंड कर दीजिए। तो सबसे बड़ा प्रक्रिया होता है बीज, बीज छाटने की प्रक्रिया। आपको बीज कौन सा लेना है वो भी दिमाग में रखना है, कैसे लेना है वो भी कितने तादाद में लेना है वो भी दिमाग में रखना है, कौन कौन से मिश्रण करने से आपको जो होता है वो अच्छे से आपकी जमीन में अच्छे से बीज का उपजाऊ हो सके, और वो अच्छे से अच्छे मात्रा में और अच्छे तादाद में हमारी फसल आए। तो ये आपको क्या करना है कि सीड, आपकी जो मिट्टी है उसका जांच करके कौन सा वेरायटी आपको अच्छा काम करेगा वही आपको पता चल जाएगा उससे, या कौन से वेरायटी लेने से मेरे को कौन सा डालना पड़ेगा वो भी आपको पता चल जाएगा अच्छे से। तो ये बेसिकली जो बीज लेने की प्रक्रिया होती है वो सोच समझ के लेना चाहिए। उसमें एक मिक्सचर, मतलब आप बेसिकली कहाँ से ले सकते हैं, ये सब इके-विके में भी मिलता है, या बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स भी हैं, गवर्नमेंट पोर्टल्स भी हैं, आप जहाँ पे रजिस्टर करके ले सकते हैं, या आप अगर बहुत तादाद में चाहिए तो यू कैन टेक फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक सर्टिफिकेशन होता है, जेनेटिक प्योरिटी, जर्मिनेशन परसेंटेज, वो सब आपको देख के लेना पड़ेगा। वो 95% का ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 70 to 80 ऊपर होना चाहिए जर्मिनेशन का। ये सब आपको याद में रखना चाहिए जब आप बीज का लेते हैं। और उसका साथ बीज जब भी लेते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, पहले दिनों में हमारे पूर्वज लोग नीम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज नहीं कर रहे। उसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव है, नीम का सोल्यूशन। अब उसके साथ अगर करेंगे बीज का 5 ml और ग्रीन का आप 15 ml लेके अगर बीज भिगो देते हैं 4 घंटे पहले, जब आप बोने वाले हो या छिड़काव करने वाले हैं या ब्रॉडकास्टिंग करने वाले हो बीज पर, तब आपको लेना है पूरा, मतलब उसको 5 ml और ग्रीन को 15 ml लेके उसको भिगो देना है 4 घंटे पहले, तो आपकी वहां पे 40% की बीमारियां वहां पे खत्म। 20% मतलब 200 से ज्यादा जो भी डिजीजेस है वो आने से भी आपको खतरा आ जाती है, वो बिल्कुल नहीं आती है। तो यह है बेसिकली कैसे हम बीज का जो ले, जो सोच समझ के कैसे ले, क्योंकि अगर अच्छा बीज हो तो अच्छा पौधा तभी आएगा, उससे ही अच्छा पैदावार आएगा। अगर आप जो मतलब कीटाणु से हुआ पीड़ित हुआ पौधे का बीज लोगे, या जो अच्छे से सक्षम नहीं हुआ था वही पौधे का बीज लोगे, तो वैसा पौधा ही मिलेगा। तो आपको अच्छा बीज लेना है ताकि आपको अच्छा पौधा मिले और उसको अच्छे से संभाल के रखना है। तो बेसिकली हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रांसप्लांटिंग मेथड होता है, मतलब एक जमीन में लेके दूसरे जमीन में हम जाके बोते हैं, जो 15 दिन के बाद फिर से जाके हम लगाते हैं। तो ये क्या बहुत काम होता है, जहाँ पे पानी अच्छे से मिलता है, साल भर में पानी रहता है, फर्टाइल मतलब जमीन बहुत उपजाऊ होती है, और बहुत लेबर कम तादाद मतलब कम पैसे में मिल जाते हैं या जल्दी मिल जाते हैं, वो होता है। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप 4 से 5 दिन पहले आप मिट्टी एक जगह बना दीजिए, उसमें आप बीज लगा के उसको 15 दिन रुकिए, उसमें भी नीम स्प्रे और फंजी का स्प्रे करना है आपको। उसके बाद आपको उसको लेके 15 दिन के बाद उसको लगाना है, तो तभी आपको अच्छे से प्रक्रिया में होगा। फंजी लगाने से जो भी बीमारियां थी वो नहीं आएगी। जब आप मिट्टी लगा रहे हैं तो सुपर गोल्ड अगर मिला देंगे या डॉक्टर गोल्ड मिला देंगे तो पहले जो फसल थी उसकी बीमारियां नहीं आएगी आपको। तो ये है बेसिकली, जैसे हमने बताया तो सर्वनिम कैसे आप ले सकते हैं, 25 से 30 ml 15 लीटर टैंकी में, कोई भी आप अगर कोई भी फर्टिलाइजर ले रहे हैं, जो भी खाद हो या जो भी यूरिया भी जो भी हो, आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर टैंकी में भी 25 से 30 ml। और आप अगर मतलब खाद के साथ यूरिया के साथ मिला रहे हैं या बालू के साथ मिला के छिड़काव कर रहे हैं, तो 1 लीटर आपको 1 एकड़ में लेना है। और ये हर एक 15 दिन में अगर कर लेंगे ना तो कोई भी बीमारियां नहीं आएगी, और ये बस 500 रुपए का है। अगर और कोई अगर आपने इस्तेमाल किया और आपने नेग्लेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा है तो बीमारियां आ गई, तो आपको केमिकल में जाना पड़ेगा, और वो बहुत पैसे में होता है केमिकल। ओके, तो
एम आई ऑडिबल सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज अगर कनेक्ट हो सकते हैं तो एक बार हाय या यस सर बोल दीजिए। यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए और एक हमारा जो नया प्रोडक्ट है जो हमारा आया है अभी सर्विस भी हमारा एग्रोकेयर के वर्जन में और एग्रोकेयर प्रोडक्ट्स के लाइन में, तो लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन जैसे हमने बताया था, ये बेसिकली क्या होता है, ये कोयला का ये पदार्थ होता है जो लो ग्रेड कोयला है उससे एक्सट्रैक्ट करके लिक्विड फॉर्म में करते हैं। ये प्योरली लिक्विड ऑर्गेनिक ही होता है। ये क्या क्या करता है, ये सूक्ष्मजीव बनाने पे ये मल्टीपर्पज बूस्टर होता है। अगर आप एक लीटर ले लिए ना तो ये आपको एक एकड़ में पूरा कटाई से लेकर बुआई तक काम आ जाएगा। ऐसे ही हमारा हर एक प्रोडक्ट से, अगर आप एक बार ले रहे हैं प्रोडक्ट तो वो कटाई से लेकर बुआई तक वो खराब नहीं होगा और कहीं भी फेंका नहीं जाएगा, और वो सबसे कम कीमत में मिनिमम से मिनिमम 5 to 6,000 में हो जाएगा, लाइक 3 to 4,000 में हो जाएगा आपकी क्रॉप के अनुसार, आप कौन सा क्रॉप कैसे कर। तो और एक है हमारा जो ग्रोथ रेगुलेटर्स कहलाते हैं, वो हमारा ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कहलाते हैं वो है ग्रीन और जैकफ्रूट। ग्रीन क्या बेसिकली होता है, ये बायोस्टिमुलेंट होता है, ये इसमें क्या K2O5 ये ऑक्सीजन सा ये सब होते हैं जो हार्मोन्स होते हैं वो मिलाते हैं, जो कि खाना बनाने की प्रक्रिया जो क्लोरोफिल कंटेंट जैसे हमारा पौधे का जो ऊपर का सतह जैसे हरा दिखता है उसका जो महत्व होता है वो पिगमेंटेशन बोलते हैं, वो पिगमेंटेशन में भी काम आता है और खनिज तत्व अच्छे से मिल पाए खाना बनाने प्रक्रिया में तो वो उसमें भी काम आता है। आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप सीडिंग करते हैं, जब आप रूट डिप करना चाहते हैं, जैसे आप एक पौधा ले लिए तो आपको क्या करना है, जब आप स्प्रे नहीं किए हैं, जब आप सीड ट्रीटमेंट नहीं किए, जब बीज आपने भिगाया नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रीन और नीम ना, जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो, जब आप एक जमीन का एक सीड बेड प्रिपेयर कर लिए, वहां से लेके और एक जगह जब जाते हैं बोने के लिए, वो पौधे का जो 15 दिन का पौधा होता है तो उसका आपको क्या करना है, वो उसके साथ जो जड़ का होता है वो अच्छे से धुल के वो एक जहां पे सोल्यूशन होता है ग्रीन का और नीम का सोल्यूशन में भिगो के रख देना है 10-15 मिनट के बाद, लेकिन उसको फिर से डाल देना है ताकि आप जो भी बीमारियां है वो जड़ के पास ना आए। और जब ये प्रक्रिया 50 दिन का 40 दिन के बाद होता है तो आपको 2 to 3 ml का पर लीटर स्प्रे कर सकते हैं जैकपॉट के साथ मिला के, या जैकपॉट अलग से भी स्प्रे कर सकते हैं 5 to 7 ml 15 लीटर टैंकी। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करें ये आपको बेसिकली अभी पता चल गया होगा। तो ये क्या होता है कि आप जो उगाते हैं पहले उसको थोड़ी बहुत रहने दीजिए, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वही आपको ऑर्गेनिक मैटर में बदलता है और सूक्ष्मजीव पनपने में काम आता है। कार्बन में ही सूक्ष्मजीव रहते हैं, कार्बन जहां पे ज्यादा रहेगा वहां पे सूक्ष्मजीव ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहेंगे। तो ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा, ज्यादा हमको जो खनिज तत्व हैं हमारे जो मिट्टी जो तोड़ने की प्रक्रिया है या मिट्टी को जो उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया वो जल्दी से होता है, जो खाना जो हमारी जो खनिज तत्व मिल पाए वो अच्छे से वो भी हो जाता है, हमारा जो धान फसल है वो अच्छे से क्वालिटी में आए और जो खोखलापन ना हो उसमें भी काम आता है। तो ये है बेसिकली। और ये दो प्रोडक्ट इसको बोलते हैं हम एडजुवेंट प्रोडक्ट, एडजुवेंट जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं ये एडजुवेंट है। आप जो भी आप जब भी कोई भी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मतलब केमिकल डोसेज का है और वो आपको जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपको 5 to 7 ml 15 लीटर टैंकी में लेना है सर्वर स्टिकर को। ये क्या करता है, जो आपकी 10 दिन का या 15 दिन का जो पावर था केमिकल का वो 20 दिन तक या 30 दिन तक इसको बढ़ा देता है, दुगना कर देता है। जो 10 दिन का स्प्रे करने की जो पैसे था वो 20 दिन तक का आपको बढ़ा देता है, अगले 10 दिन को आपको स्प्रे नहीं करना पड़ता उसमें भी पैसे आपको बच जाता है, लेबर का खर्चा नहीं होता है उसमें भी आपको बच जाता है, अगर बारिश भी होता है तो केमिकल धुल जाते हैं ये धुलने से भी रुकता है, ये चिपक जाता है, ये जो फैला होता है जो पेस्टिसाइड खरपतवार जो भी आप इस्तेमाल करते हैं इंसेक्टिसाइड रोडेंटिसाइड जो भी आप इस्तेमाल इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ। अगर आप मैक्स इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ आपको अगर थोड़ा ग्रोथ चाहिए, अगर आप केमिकल ही ले रहे हैं तो स्टिकर लेना, अगर आपको ग्रोथ पर्पस के लिए भी चाहिए तो आपको मैक्स लेना, लेकिन दोनों को मिलाना कभी भी नहीं है, कभी भी दोनों को मिलाना नहीं है। और मैक्स कितना 5 ml 15 लीटर टैंकी में आपको लगाना है स्प्रे करने के दौरान, ठीक है। तो अब चलते हैं कैसे हम
ऑर्गेनिक मेथड में या ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना के हम जो हमारी जो तनाव जो हमारी जो पैदावार को जो घटा देता है जो उसका जो फैक्टर्स है उसका जो रिस्पॉन्सिबल जरिया है वो क्या क्या है, ऑर्गेनिक पेस्ट को कैसे हम ऑर्गेनिक मेथड में निकाल सकते हैं। ये है, आप पहले क्या करते थे बेसिकली जब बहुत दिनों पहले हमारे परदादा के जमाने में क्या करते थे, 1 kg गार्लिक में 1 kg लहसुन में आपको लेना है केरोसिन 1 लीटर का, आपको उसको फिल्टर करके रात में रख देना है 200 लीटर पानी में उसको रख देना है और ये आपको स्प्रे करना है अगले दिन के बाद। ये क्या क्या करेगा, जो लीफ हॉपर है जो प्लांट हॉपर्स है जो मतलब जो काटते हैं पत्तों को और जो कांड को काटते हैं या जो टहनियों को काटते हैं इन सबको ये मार देते हैं, ये ऑर्गेनिक मेथड हो गया। लेकिन उसके बदले हमारे लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हेमामेक्टिन बेंजोएट। आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन वो कम तादाद में करना चाहिए आपको, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में आप इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। थायोमिथोक्सिम हो गया, एम्फिसजेसिस हो, वैसे तो बहुत सारे केमिकल्स आप इस्तेमाल करते हैं तो मैं वो सजेस्ट नहीं करना चाहता हूँ केमिकल्स। तो ये प्योरली ऑर्गेनिक मेथड हो गया, हम बिना हमारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके भी ये कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। मतलब जो जैसे हमारा जो डिजीज कंट्रोल के लिए है, मतलब जो हमारी तनाव को रोकने के लिए, जैसे हमारा पंजी हो गया, सुपर गोल्ड हो गया, डॉक्टर गोल्ड हो गया, ये तीनों अगर आप ये चीज अपना के आप करेंगे ना तो कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी और ये पैसे कम में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा है बस। तो बेसिकली क्या क्या बीमारियां आती हैं ये जानते हैं, ब्लास्ट, ब्लास्ट तो बैक्टीरियल के कारण आता है, ये हर एक जब भी पौधा उगता है तब किसी समय भी आता है। आप कैसे जान सकते हैं, लीफ लिशियंस मतलब ये अच्छे से ये ग्रे कलर में हो जाते हैं, बीच में से लेके बड़े बड़े हो जाते हैं, ये ऊपर जब तक आते हैं ये खराब हो जाते हैं पत्तियां, ये हमारे कांड के अंदर जो नोड्स होता है जो बीच बीच में जो गांठे होते हैं उसके अंदर ये होल बना देते हैं, या ये जो हमारा जो जिसमें हम पैनिकल बोलते हैं जिसमें हमारा जो पैदावार जो रहता है या जिसमें हमारा धान या चावल जिसमें रहता है वो गिर जाना बोलते हैं नेक्रोट, ये वैसा होता है। ये बेसिकली किस वजह से होता है, अगर बारिश ज्यादा हो गया या आपका फंगल अटैक पहले से था तो इस कारण आपको आ जाएगा, बैक्टीरिया अटैक पहले था उसके कारण भी आपको आ जाएगा। ये कैसे किस कारण ज्यादा आते हैं, हाई नाइट्रोजन लेवल्स, मतलब आप ज्यादा यूरिया लगाएंगे तो ब्लास्ट आता ही आता है, ब्लास्ट आता ही आता है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यूरिया लगाएंगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, इसलिए यूरिया लगाने के बाद, ज्यादा यूरिया लगाने के बाद आप देखे होंगे पीला पीला पड़ जाता है आपका पौधा, क्यों, वो गर्मी के कारण पीला पीला पड़ जाता है। ओके ओके, सुनाई दे रहा है सभी को? ओके, थैंक यू धनपाल जी, थैंक यू उदय सिंह जी। तो सीड ब्लाइट भी वैसे टिलरिंग, टिलरिंग का मतलब जब हम बीज बोते हैं और उससे एक एक दो दो तीन तीन चार पौधे निकलना शुरू होते हैं बीज से और वो एक एक कान के तरह आ जाते हैं, तभी आता है ये कैसे आता है, ये भी ग्रेस लेसन बन जाते हैं, ये साइड में बनते हैं, ये कभी कभी आते हैं, ये भी हाई टेम्परेचर या ये ज्यादा गर्मी के कारण या ह्यूमिडिटी के कारण आते हैं। वैसे ये यहाँ पे बहुत सारे बीमारियां जो है यहाँ पे किस किस स्टेज में है ये सब आप देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्या क्या है, तो आप क्या क्या लगा सकते हैं। बेसिकली ये सभी में आप एक कॉमन चीज दे सकते हैं, वो है डॉक्टर गोल्ड। अगर आपको पता है कि बैक्टीरियल या फंगल है तो या कौन सा डिजीज है, फंगल के लिए आप फंजी दे सकते हैं, बैक्टीरियल के लिए डॉक्टर गोल्ड, या कोई भी बीमारी आपको पता नहीं चलता डॉक्टर गोल्ड दे दीजिए। अगर स्टूडिया लग रहा है, अगर कोई कीड़ा लग रहा है, अगर कुछ नेमाटोड्स लग रहे हैं तो आप क्या डाल सकते हैं, सुपर गोल्ड डाल सकते हैं। उसके कॉम्बिनेशन में आप हमेशा नीम का इस्तेमाल करना, इसलिए हम बोलते हैं 1 acre के लिए 1 liter का नीम ले लीजिए, वो काफी है, पूरा पूरा आपको पूरा आपकी जो लाइक राइस का कल्टिवेशन के लिए पूरा 1 liter काफी है, वैसे ही ऑर्गेनिक कार्बन 1 liter काफी है, वैसे ही आप अगर जब पहले ही ले लेंगे तो थोड़ी थोड़ी तादाद में हमेशा 15-20 दिन में अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये आपकी पैदावार बढ़ा देती है। बट बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जब बीमारी आएगी तभी देखी जाएगी,
तभी केमिकल पे जाते हैं, क्योंकि जब आ जाती है उसके बाद आपको केमिकल पे जाना होता है। जब पहले से ही आपको पता है कि आने वाली है, तो आप उसको उतना सक्षम बना देता कि उसको जो भी तनाव आने वाले हैं उससे ये बच पाए। ये आपको इसलिए बेसिकली कम में हो जाएगा पैसा, और आपको पैदावार भी ज्यादा आएगी और अच्छा पैदावार आएगी। जो खाना होता है वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनता है, और जो मतलब जो खिलाते हैं उनको भी बहुत पोषक तत्व मिलता है। तो ये हो गया हमारा पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जैसे हमने बताया था सूडियों के लिए, या बीटल्स के लिए, या लीफ कटर्स के लिए, या एंट्स के लिए, या टर्माइट्स के लिए, या आप नेमाटोड्स के लिए, या कुछ भी ले सकते हैं। तो 1.2 ग्राम पर लीटर लेना है अगर स्प्रे कर रहे हैं। अगर सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हैं, जैसे हमने बताया था ह्यूमिक ग्रैनुल्स, ह्यूमस, ह्यूमिक लिक्विड के साथ स्प्रे कर रहे हैं, तो ऐसे करना है। ह्यूमस ह्यूमिक ग्रैनुल्स के साथ छिड़काव कर रहे हो, या खाद के साथ मिला रहे, यूरिया के साथ मिला के कर रहे हो, तो 100 ग्राम एक एकड़ में लेना है। या आपको 60 ग्राम एक एकड़ में लेना है ह्यूमिक ग्रैनुल्स, और इसके साथ फंजी को बेसिकली आपको फॉलियर स्प्रे का रिकमेंड करते हैं। नहीं आप फॉलियर स्प्रे करना चाहते हैं तो ये जब आप जमीन के साथ मिलाते हैं, ये तीनों मिला के ही छिड़काव कर देना पहले ही, ताकि आपको ना आए। और अगर आते भी हैं तो दूसरे चरण में अगर कर देंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा। इससे आपकी पैदावार कुछ को कुछ मतलब डिफिकल्ट नहीं आएगा, या कुछ घटेगा भी। तो ये हो गया बेसिकली। तो ये सीड ट्रीटमेंट का हमने बताया था जो क्या क्या इस्तेमाल करना है, ग्रीन और जैकफ्रूट जिसे हमने पहले बताया था, ये हो गया। तो ये यहाँ पे देखिए रिफाइंड और होल ग्रेन में क्या होता है। देखिए क्या होता है कि ये है राइस ग्रेन का, होल ग्रेन का, ये है रिफाइंड जो मतलब नॉर्मली व्हाइट ग्रेन का होता है। तो ये है बेसिकली क्या देख सकते हो, ये सेल्फ टाइम 10 साल तक रहते हैं, ये 6 साल तक ही, ये 6 साल तक ही रह जाते हैं। ये खाना बनाने में ये जल्दी हो जाता है, ये खाना बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, ये आपको अच्छी कीमत में मिल जाएगा, ये बहुत ज्यादा में मिलता है। ये हस्क या हल नहीं रहता है, जो भूसा आता है वो उसमें नहीं मिलता, हायर बी विटामिन में होते हैं, ये भी हायर बी विटामिन में होते हैं। हस्क को रिमूव कर देते हैं, इसको हस्क रिमूव नहीं करा जाता। ये बेसिकली पॉलिश होता है, ये पॉलिश नहीं होता है। तो ये सब आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे क्या होता है, ये फाइबर रिच किसमें है, ये इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं है। ये सब तो सही है, ये ज्यादा टाइम में रहे, इस कम टाइम में रहे, ये सब सही है, लेकिन ये किस लिए काम आता है, ये फाइबर रिच आप किस लिए ले रहे हैं खाना, ताकि जल्दी बन पाए, या आप किस लिए ले रहे हैं कि ज्यादा दिन तक रुक पाए। आपको तभी खाना है और अच्छा खाना खाना है, तो फाइबर रिच आपको लेना है। ये सब ग्लूकोज सुक्रोज ये सब डायबिटीज के कारण बन जाते हैं अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो कितना फसल एवरेज, अगर हमने जिस प्रक्रिया से हमने बताया, जिस प्रोसेस से अगर आप हमारा प्रोसेस अपनाएंगे, तो मिनिमम से मिनिमम आपको 25 से 27 क्विंटल तो एकड़ में मिल जाता है आपको। ये मिनिमम से मिनिमम मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग इससे ज्यादा भी हैं, 32 क्विंटल्स भी किए हैं जो रिजल्ट आए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे रिजल्ट पाए हैं हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। तो अगले साइड में चलते हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है ऑर्गेनिक राइस में और कन्वेंशनल राइस में। इट इज कल्टिवेट, मतलब हम बिना फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, खरपतवार का, ये कीटनाशक का इस्तेमाल ये होता है। ये न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट्स के काम आते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिशन लॉस कर देता है जो खरपतवार, जो आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हो, वो जो न्यूट्रिशन होता है, जो हमको पोषक तत्व होते हैं, वो उसको भगा देता है। ये सेहत के लिए हानि होता है, ये अच्छा टेस्ट करता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक एक आर्सेनिक एक एलिमेंट है जो कि बहुत हार्श एलिमेंट बोलते हैं, मतलब हेवी एलिमेंट बोलते हैं, जैसे कि लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये सब हमारी सेहत के लिए खराब होता है। ये आर्सेनिक में कम होते हैं, ये सुक्रोज में कम होते हैं, लेकिन ये इको फ्रेंडली भी होते हैं, लेकिन ये आर्सेनिक में ज्यादा होते हैं, ये एडिटिव्स मिला देते हैं, ये बहुत सारे गुण तत्व जो केमिकली मिला देते हैं, कलर भी कर देते हैं, ये ज्यादा पॉलिश कर देते हैं ताकि चिकना दिखे और सफेद दिखे, और प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं, जैसे सैसोल हो गया, वो अगर एक आपने एक ही गोली लगा दी तो वो क्या 3-4 साल तक रुक जाता है। तो इससे क्या होगा, वो जो जब आप खाओगे तो 3-4 साल तक तो रुक जाता है, लेकिन 3-4 साल बाद आप जब खाओगे तो वो कैसे रहेगा, वो कितना खराब होता है। अगर कुछ भी
कोई भी कीड़ा ही नहीं लग रहा है, तो अगर 4 साल बाद आप खा रहे हो तो आपको क्या होगा, आपका सेहत क्या होगा, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए यही था, तो लास्ट स्लाइड में हम चलते हैं अभी। तो ये है कटाई, बुआई से लेके कटाई तक, ये हम आपको अनुरोध करते हैं सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप किसी से मांग भी सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप पे आप अगर इसको चाहिए तो मैं ये स्लाइड ही भेज दूंगा आपको बस। क्या मैं सुनाई दे पा रहा हूं? तो ये है बेसिकली, फर्स्ट जब आप मिट्टी बनाते हैं या बेयर लैंड होता है या पानी देने से पहले होता है, तो आपको ह्यूमिक ग्रैनुअल्स किसके साथ, खाद के साथ, बालू के साथ, रेत के साथ, यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, एमओपी के साथ आप लगा सकते हो। ह्यूमिक लिक्विड आपको किसके साथ लगाना है, नैनो यूरिया के साथ आप लगा सकते हो या वैसे ही स्प्रे कर सकते हो। ह्यूमस यूरिया के साथ आपको लगाना चाहिए। उसके साथ क्या क्या लगाना है, ब्लैक मैजिक और डॉक्टर गोल्ड। डॉक्टर गोल्ड क्या करता है कि जो नेमाटोड्स होते हैं, जो जड़ के पास बीमारियां आते हैं, उसको रोकने में भी काम आता है। अगर आपको डॉक्टर गोल्ड नहीं लेना है कि आपको पता है जड़ की बीमारी नहीं आता है, तो सुपर गोल्ड ले लीजिए। ये 0 से 15 दिन के अंदर, बीज बोने से पहले 0 से 15 दिन के अंदर, बीज बोने के बाद 15 से 30 दिन के बाद आपको क्या करना है, जहां पे आप बीज बोए थे उसको आपको नीम ग्रीन फंजी कार्बन के साथ आपको स्प्रे करना है 15 से 30 दिन के अंदर। उसके बाद तीसरे चरण आपको क्या करना है, जब 4th दिन, उसमें क्या क्या होता है, लैंड प्रिपरेशन के बाद नर्सरी बेड हम कर दिया, ट्रांसप्लांटिंग कर दिया, टिलरिंग। टिलरिंग का मतलब ये पौधा एक के बाद एक एक आना। उसके बाद स्टेम एलोंगेशन, मतलब कांड का बड़ा होना। ये जब होता है तो आपको इस्तेमाल करना है ग्रीन मैक्स और सुपर गोल्ड का 30 से 45 दिन के अंदर, और 45 से 60 दिन के अंदर पैनिकल इनिशिएशन, मतलब जिसमें हमारा चावल रहता है, जो ऊपर का सतह होता है, ये होता है पैनिकल, इससे बोलते हैं पैनिकल। तो ये आपको उसी वक्त में, आपको उसी पहले ही, आप 45 60 के भीतर ही आपको ग्रीन जैकपॉट नीम और कार्बन का फिर से स्प्रे करना है। 60 से 90 दिन के अंदर या 45 से 60 डेज के अंदर आप देखना पड़ेगा, जब ये मिल्किंग स्टेज होने से पहले ये आप लगा देना, ताकि ये जो पैनिकल एक खोखलापन ना आ पाए ग्रीन जैकपॉट के कारण, ग्रीन के कारण खाना बनाने की प्रक्रिया अच्छे से होता है, नीम के कारण बीमारियां नहीं आती है, कार्बन के कारण ओवरऑल ग्रोथ, ऑलराउंडिंग ग्रोथ मिल जाता है। अगर कुछ इस्तेमाल करते हैं तो आप पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल अगर करते हैं तो स्टिकर आप इस्तेमाल कर सकते हो नीम के साथ, सुपर गोल्ड के साथ और डॉक्टर गोल्ड और फंजी। ये कौन कौन सी बीमारी के कारण कौन कौन से आते हैं उसके अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब हम रिकमेंड पहले ही कर देते हैं, अगर पहले इस्तेमाल कर देंगे ना, ये नौबत आपको नहीं आएगी 90 से 120 दिन का इस्तेमाल करने का। अगर आप इस वक्त नहीं किए होंगे, जब जब हम बताएं, तो अभी तभी इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो ये है बात। तो आप अगर पहले ही इस्तेमाल कर लेंगे तो 500 या 200 या 300 रुपए में होने वाला वो 1000 2000 3000 तक जाएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया बीज बोने से लेके कटाई तक। तो बेसिकली इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज है जो 90 दिन में भी हो जाते हैं। तो ये उसके अनुसार आपको अगर कुछ डाउट है कि खेती कैसे करना है, तो मेरा नंबर मेरे चैट बॉक्स में डाल दिया, आप दे सकते हो, वो नंबर में आप फाइल भेज सकते हैं। अगर मैं बिजी हूँ तो आप एक फोटो खींच के भेज सकते हैं, अगर मैं कुछ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं खुद ही आपको रिप्लाई दे दूंगा विद मैसेजेस या थ्रू कॉल, ये दोनों आपको हमेशा, वो भी टाइमिंग आपको सुबह 9 से लेकर रात के 6 या 7 बजे तक प्लीज। तो थैंक यू सभी को, बहुत सब्र से आपने मेरा वेबिनार सेशन अटेंड किया है और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर सेशन अब शुरू करते हैं।